नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आज के मेष राशि फल के बारे में कि आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण राशि फल पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। आज परिवार के साथ समय बिताना आप पसंद करेंगे। आज आपकी वाणी में मधुरता आएगी, मिठास आएगी, इससे हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज घर से बाहर जाते समय अपनी माता का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं, इससे आपको सभी कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज आप पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने सभी रुके हुए कार्यों को पूर्ण उत्साह के साथ पूरा करेंगे। आपके व्यापारिक कार्यों में तेजी आएगी और धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। धीरे धीरे आपके सुखों में वृद्धि आती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अचानक धन लाभ के योग रहेंगे। साथ ही लॉटरी शेयर में सट्टा में निवेश से जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद के मामलों में लाभ प्राप्त होगा। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। यदि आप व्यापारिक कार्यों से जुड़े हैं तो आज आप कुछ नया ऐड करके कार्य करेंगे। इस समय आप सुख समृद्धि की चीजें खरीदेंगे, जैसे कार, बाइक, दुकान, मकान। जी हाँ दोस्तों, अचल अचल संपत्ति प्राप्ति के प्रयासों में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। जिन जातकों का घर बनाने का सपना था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो अब इस समय में पूरा होने वाला है। इस समय अचानक से रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होने के योग रहेंगे, चाहे वो किसी भी कारण से रुका। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, एक नई ऊंचाई मिलेगी। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार देखने को मिलेगा। जिन जातकों का संतान का सपना था और वो सपना अभी तक अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था, तो उनका सपना अब पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उच्च शिक्षा के योग रहेंगे। यदि आप इस दौरान विदेश में जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं तो यह सपना भी आपका पूरा होगा। किसी उच्च संस्थान में आपका दाखिला होगा, मनचाहे संस्थान में दाखिला होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना है, स्वयं अपनी बुद्धि लगाकर आगे बढ़ें, किसी की किस सलाह से नहीं। आपको अब कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। यदि आपका कोई लोन अभी तक पास नहीं हुआ है तो आपका लोन मंजूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार नजर आएगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों।